अलैक्म व्यूवर्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हवेली में आए हैं। देखिए, आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये हवेली, ये देखें, ये रणजीत सिंह यहाँ पर पैदा हुआ था। आपको इसके मुख्तलिफ मनाजर दिखाते हैं, चलाए चलिए। जैसा कि व्यूवर्स आप जानते हैं कि मेरी जितनी भी वीडियो हैं वो लाहौर में बनी हुई हैं, क्योंकि मैं रहता भी बेसिकली लाहौर में ही हूँ और वहाँ पर बहुत सी तारीखी चीज़ें हैं। लेकिन जब मुझे इस हवेली का पता चला ना, तो मैं रह ना सका। मेरा ज़ाती तौर पे बहुत दिल कर रहा था इस हवेली को देखूं। जैसा कि व्यूअर्स आपको मैंने बताया, ये रणजीत सिंह की हवेली है। और अगर मैं आपको इसकी लोकेशन अगर बताऊं ना, तो वो गुजरांवाला में बहुत ही मशहूर ख्याली दरवाज़ा है। तो ख्याली दरवाजे से आपने सीधा मछली मंडी आना है। मछली मंडी आएंगे तो मशहूर है अरशद रंग वाला, उसके ऊपर ये हवेली मौजूद है जी। तो व्यूअर्स, ये रणजीत सिंह की हवेली है और आप इसकी मेहराब देखें, ये देखें क्या आर्किटेक्चर है व्यूअर्स, क्या कमाल की ये हवेली बनी हुई है। जो लोग रणजीत सिंह के बारे में नहीं जानते, उनको मैं बेसिकली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसका दूं। तो जो रणजीत सिंह था ना, उसने पंजाब में और बहुत से बड़सगीर के जो इलाके थे उन पर कब्जा किया था। उन मुग़लों से ये इलाके छीने थे और उसके बाद बरतानवी जो हुकूमत थी उनको अपने पास तक ना आने दिया। इतनी इनके पास ताकत थी, इतना इन्होंने जोर लगा के रखा हुआ था, खासकर लाहौर में। और ये इन्होंने अफगानों को बहुत ही तंग करके रखा हुआ था। व्यूअर्स, ये वही बादशाह जिसने बहुत से मुगलिया जो तामीरात हैं, यानी कि बद्दू का मकबरा, दाईयंगा का मकबरा, उसके अलावा हमने आपको गुमनाम मकबरे इतने दिखाए हैं जिनमें से इसने पत्थर उतारे, और अपने गोल्डन टेंपल पर अमृतसर में जो है उसके अलावा 12 दरियों पे लगाए। व्यूअर्स, ये आप देखें, ये हवेली की ना ऊपर से सारी छत गिर चुकी है, ये बहुत ही खस्ताहाल हो चुकी है। ये देखें आप, ये हम आपको बिल्कुल सीधा लेके चलते हैं। ये पहले ऊपर सारी की सारी छत हुआ करती थी, पूरा ये कमरा हुआ करता था एक किस्म का, लेकिन अब ये इसकी हालत बहुत ही बदतर हो गई है और ये सारी नीचे गिर गई हुई है। वैसे तो इसकी तामीरात का काम, इसकी बहाली का काम जारी था, लेकिन जो अहले इलाके हैं उनके कहने के मुताबिक ना, यहाँ पर जो मज़दूर थे वो भाग गए हैं। अब उसकी क्या वजह है वो तो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मैं खुद यहाँ पर नहीं था और मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे कोई ऐसी चीज़ का इल्म तो नहीं हुआ, ना कोई चीज़ महसूस हुई है। लेकिन ये देखें ना व्यूअर्स, ये आपको मैं बताता चलूं, ये जो कमरा है ना, यहाँ पर इस कमरे में रणजीत सिंह पैदा हुआ था। ये देखें, मेरे लिए तो बहुत ही ये, मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना मुझे खुशी हो रही है ये चीज़ देख के। वो बादशाह जो आप उसको जालिम भी कह सकते हैं और उसको बहुत ही रहमदिल भी कह सकते हैं, क्योंकि कुछ वाकयात ऐसे हो चुके हैं जो उसने मुसलमानों के लिए अच्छे भी किए हैं। ये देखें, इस कमरे में व्यूअर्स वो पैदा हुआ था, और ये उसकी बचपन की हवेली है जहाँ वो खेला करता था, जहाँ वो बैठा करता था। व्यूअर्स, ये जो रणजीत सिंह है, ये तकरीबन 1780 में पैदा हुआ था और इसी हवेली में वो पैदा हुआ था। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर जब मैं इस तरफ जाने लगा तो मुझे जो मेरे साथ लोग मौजूद हैं उन्होंने कहा कि इधर अंदर ना जाएं, लेकिन मैं आपके लिए बहुत ही वीडियो अच्छी बनाने लगा हूँ। ये देखें, इसी रियो के निशान देख रहे हैं आप, यहाँ पर वो कह रहे हैं ये सारा हॉन्टेड जगह है और यहाँ पर ना जाएं आप। ये भी ऊपर सीढ़ियों पर जा रही थी, और ये देखें ये सारी जगह मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। व्यूअर्स, ये हॉन्टेड जगह है लेकिन लोगों के कहने के मुताबिक, लेकिन देखें ना मैं अंदर ही हूँ और मुझे कोई, ये देखें ये सारा स्लैब वगैरह है, और ये जो आपको मलबा नज़र आ रहा है ना, ये ऊपर छत का गिरा हुआ है। ये हम घूम के आपको चारों तरफ का विजिट करा के और वापस इसी तरफ आए हैं। ये पूरा एक कमरा हुआ करता था, जैसे बिल्कुल सामने की तरफ है। ये देखें आप मेहराब देखें इनकी, ये देखें खूबसूरती, आप सामने देख रहे हैं ना, ईंटें और स्लैब रखी हुई हैं इसकी बहाली के लिए, लेकिन कोई मजदूर मौजूद नहीं। क्यों? अब इसकी क्या वजह मुझे नहीं पता। ये देखें, ये देखें व्यूअर्स, ये पहले आपको मैंने बहुत सी वीडियो में बताया, पहले गार्डर और सरिये का इस्तेमाल नहीं हुआ करता था। आइए आप देख सकते हैं इसको, ये ईंटों में ईंटें कैसे, यार क्या कमाल का ये काम हुआ है, मैं आपको क्या बताऊँ व्यूअर्स। देखें आपने ईंटों में ईंटे में सहा के और दीवार खड़ी कर देते थे पुराने दौर में। ये देखें,
क्या हालत हो गई है व्यूअर्स इसकी, और जब ये बनी होगी क्या आलीशान ये होगी। देखे ना बाहर का आर्किटेक्चर, देखे इसका मेन फ्रंट देखे आप, क्या खूबसूरत अंदाज में ये डिजाइन बनाया गया है। ये देखें ये दरवाजे, ये देखें व्यूअर्स ये डिजाइन चेक करें, ये मेन एंट्रेंस के मेहराब के ऊपर ये जो आर्चेस बनी हुई है इसके ऊपर ये गोल गोल डिजाइन, ये देखें ये सीढ़ियों में मैं खड़ा होकर आपको ऊपर का सारा व्यू दिखा रही है। ये देखिए व्यूअर्स ये कितना पुराना दरख्त है, सारा इसने ना उसको हवेली को ढका हुआ है एक तरफ से। नीचे जाके आपको दिखाता हूँ मैं, क्योंकि ये दाएं तरफ ही हवेली का ही हिस्सा हुआ करता था, अब तो ये इन्होंने ना सारा ये रेनोवेट किया है। ये देखें जैसे सामने से अगर मैं तस्वीर खिंचवाऊँ तो क्या बेहतरीन लोकेशन आएगी, बेहतरीन सेल्फी पॉइंट बनता है। ये मेहराब बनी हुई है, और ये वो दरख्त है जो ऊपर की तरफ जाता था। और ये देखें व्यूअर यहाँ पर अब ये इन्होंने कोई टाइल्स वगैरह का काम किया हुआ है, ये भी सारा पुराना ही। ये देखें आप इसकी मेहराब देखें ना, मेहराब पुराने दौर की, आपको अब पता चलेगा। ये देखें ये ऊपर देखें, क्या बात क्या बात, देख रहे हैं व्यूअर्स ये वही सिख दौर की हवेली, माशाल्लाह माशाल्लाह क्या खूबसूरत अंदाज में लंबे लंबे दरवाजे ऊपर की तरफ। ये व्यूअर्स कोई दरबार दरबार टाइल्स वगैरह लगी हैं और चिराग वगैरह रखे हुए हैं। व्यूअर्स जैसा कि मैंने आपको बताया ना, लाहौर में बहुत सी ऐसी पुरानी चीजें हैं, यानी कि ये देखे ना रंजीत सिंह पैदा तो इस हवेली में हुआ था, गुजरांवाला में ये हवेली है, लेकिन इसकी वफात जो है ना वो लाहौर में ही हुई थी। बादशाही मस्जिद के साथ ही रंजीत सिंह की समाधि मौजूद है। तो व्यूअर्स मेरा तो आज का सफ़र बहुत ही दिलचस्प रहा है, मुझे तो बड़ा ही मज़ा आया इस हवेली को देख के। तो अगर आपको भी हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो व्यूअर्स मिलते हैं ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, हमें इजाज़त दीजिए अल्लाह के बाद।